नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। खास तौर से जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर कहें या बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी बायोलॉजी का पेपर है, जो अपन डेली का जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, आज उसका जो पार्ट थर्ड वाला है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। वही पेपर है, वही चीज़ें हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे अपन चलते हैं। यहाँ पर आज का अपन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 45 कल हो गया था, आगे जो है वो आ जाएगा 46। 46 में क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर द स्टडी ऑफ प्रोटियोम्स। प्रोटियोम्स की स्टडी करने के लिए इनमें से कौन सा यूजेबल या टेक्निक है जो यूज में नहीं आती है, वो कौन सी है, प्रोटियोम्स होता क्या है। तो यहां पे अपन देखेंगे कि कोई भी सेल है या ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में टोटल प्रोटीन की स्टडी करना क्या कहलाता है, उसका प्रोटियोम या प्रोटियोम कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल की टोटल जो प्रोटीन है उसकी स्टडी करना, उसकी सीक्वेंसिंग करना, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटियोम कहते हैं। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक है जो मोस्टली यूज में आती है या फिर मतलब नहीं आती है, पूछा गया है, इनमें से नहीं आती है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आती है या फिर MALDI-TOF जो है टेक्निक वो भी आती है, 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस है वो भी आती है, यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रोफ्यूजन का मतलब होता क्या है कि कोई भी एक इस प्रकार की एक पात्र है, आपने एक वेसल लिया है, इसमें आप क्या चाहते हो कि दो कोई भी सेल है उनको आप क्या करना चाहते हो, फ्यूजन करवाना चाहते हो, किसकी प्रेजेंस में, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में कोई भी दो सेल है उनको आप क्या करना चाहते हो, फ्यूजन करवाना चाहते हो या DNA इसमें इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। बाहर से कोई भी DNA पड़ा है, अगर वो DNA आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो इनकी जो मेम्ब्रेन है इनमें क्या होते हैं, छिद्र हो जाते हैं या पोर हो जाते हैं, जिनके कारण से DNA अगर बाहर होगा तो वो अंदर आ जाएगा, दो सेल पास में होगी तो दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। इसका मतलब कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए या DNA को इंसर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूजन जो मेथड है उसको यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो प्रोटियोम की स्टडी करने के लिए कहीं भी दूर दूर भी यूज में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोफ्यूजन। आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे 47, रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट इज थ्रू, ठीक है ना, कि कोई भी जो रूट है, ये रूट है, इसमें वाटर जो है ये यहाँ पर मूवमेंट करता है रेडियल साइड में इस प्रकार से, क्योंकि बीच में जाइलम जो है उसके थ्रू वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है और जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है, तो रेडियल में भी तो सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रही है डाइकोट्स में उनमें भी तो जाता है साइड में, तो रेडियल में साइड में कैसे जा सकता है, सेल टू सेल जा सकता है। यहाँ पर देखो, एक तो दिया हुआ है एपोप्लास्ट, एक दिया हुआ है सिम्प्लास्ट, दो अलग अलग पाथवे हैं, एक दिया हुआ है ट्रांस मेम्ब्रेन, इसमें भी एपोप्लास्ट से भी जाता है, सिम्प्लास्ट से भी जा सकता है, ट्रांस मेम्ब्रेन से भी जा सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों ही मेथड ऐसे हैं जिन तीनों मेथड के द्वारा वाटर जो है वो रेडिएंट साइड में, मतलब चारों तरफ का जो पोर्शन है रेडियल साइड है, उन सभी में जा सकता है। एपोप्लास्ट की जब भी अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये दो सेल है कोई, यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, जो आउटर वाली जो लेयर है, आउटर वाली जो लेयर है ये तो क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। अब वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ये वाटर है, ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। यहां से आप देखोगे तो दो तरीके से वाटर का जो मूवमेंट है, या तो वो यहां से ऐसे जाए सेल टू सेल इस प्रकार से, अगर सेल टू सेल जाता है प्लाज्मोडेस्माटा से होके जाता है तो ये जो पाथवे है इसी तो अपन क्या कहते हैं, सिम
प्लास्ट मेथड, ठीक है ना, सिम्प्लास्ट से जाता है मोस्टली जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सा होता है, सिम्प्लास्ट से होता है। एक पाथवे ऐसा है कि वाटर जो है ये यहां से जाए, सेल के अंदर एंटर ना करे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का जो स्पेस है इस स्पेस से होते हुए वाटर क्या करता है, मूवमेंट करता है इस प्रकार से। इसे क्या कहते हैं अपन, एपोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये जो बाहर वाला है ये एपोप्लास्ट है, सेल के अंदर से जाता है उसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो ये सभी मेथड जो दोनों है ट्रांस मेम्ब्रेन, ये दोनों वाले जो पाथवे हैं वो कह सकते हैं अपन। तो दोनों ही मेथड क्या है, यूजेबल होते हैं। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे अपन चलते हैं 51। इस पे चलते हैं, देखो इस पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 50 पे, ठीक है, क्योंकि जैसे आप लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है इसलिए मैं आप लोगों को डेली वीडियो कहीं ना कहीं आपको चाहे कोई भी बायोलॉजी का पेपर हो मैं आपको जरूर सोल्व करवाऊंगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो डेली बनी रहिए। तो आप लोग रेगुलर अपना रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए और डेली आप लोग चैनल के ऊपर जरूर देखिए वीडियो को, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहीं कमी ना हो, आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है ना। तो मैं मेरी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। द प्राइमरी हार्मोन रेगुलेटिंग सीड डोरमेंसी इन प्लांट्स, प्लांट की सीड डोरमेंसी को रेगुलेट करने के लिए कौन से हार्मोन्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एब्सेसिक एसिड दिया हुआ है और जिब्रेलिन दिया हुआ है, जिब्रेलिन दिया हुआ है और साइटोकाइनिन दिया हुआ है, ऑक्सिन दिया हुआ है, इथाइलिन दिया हुआ है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। सीधी सी बात है यहाँ पे आप जब देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे देखो यहाँ पे आप देखोगे इस चीज़ को अपन देखते हैं। देखो क्या पूछा है, डोरमेंसी के बारे में पूछा है। तो जो एम्ब्रियो बनता है ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन है और इसके चारों तरफ क्या है, सीड वाला पार्ट होता है। सीड में एम्ब्रियोनिक कंडीशन को क्या किया जाता है, वाटर का लेवल को कम कर दिया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं, ताकि इसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाए, लो हो जाए। जितनी भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है वो भी सभी लो हो जाए। इन सभी को लो करने के लिए जो हार्मोन है, सीड जब मेच्योर होता है उस टाइम में एब्सेसिक एसिड हार्मोन का लेवल क्या होता है, पीक पे होता है, वो क्या करता है, डोरमेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एब्सेसिक एसिड जो ऊपर दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन पे, एब्सेसिक एसिड का लेवल बढ़ने से इसमें धीरे धीरे वाटर का कंटेंट कम होने लगता है और जितनी भी एक्टिविटी है सभी एक्टिविटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है और वो क्या करती है, डोरमेंसी को बढ़ाती है। एक एब्सेसिक एसिड का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है तो ये क्या करता है, एक प्रोटीन को कोड करता है लिया, इस प्रोटीन को नाम से क्या कहते हैं अपन, लिया के नाम से जानते हैं सीड के अंदर। तो लिया क्या करेगी, जो प्रोटीन है लेट एम्ब्रियोनिक एबाउंडेंस प्रोटीन, इसे क्या ना कहते हैं, लेट एम्ब्रियोनिक एबाउंडेंस प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन जैसे जैसे इस प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे सीड में क्या बढ़ती है, डोरमेंसी बढ़ती है। तो इसका नाम ही है लेट एम्ब्रियोनिक, ये कह सकते हो एबाउंडेंस प्रोटीन, मतलब एबाउंडेंस मतलब अधिक संख्या में पाई जाती है जो डोरमेंसी को बढ़ाती है। तो ये प्रोटीन बढ़ने से डोरमेंसी अधिक बढ़ने लगती है। कई बार पूछा भी जा सकता है कि एब्सेसिक एसिड किसको करता है कंट्रोल और कौन इसको क्या करता है, डोरमेंट कंडीशन को रेगुलेट करता है, तो लिया प्रोटीन करता है। दूसरी कंडीशन, जैसे ही आप इसको मानसून कंडीशन में वाटर या नमी की कंडीशन में आप इसको रखते हो सीड को डोरमेंसी वाली के, तो क्या करेगा, धीरे धीरे वाटर जो है वो क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे कई बार टर्म आता है कि जो सीड कोई होता है अगर आप उसको पानी देते हो, जर्मिनेट करवाते हो, तो वाटर जो उसके फर्स्ट टाइम जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन सी प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं इम्बिबिशन। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इम्बिबिशन कहलाती है। सीड जब फर्स्ट टाइम पे जर्मिनेट होता है तो वो जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्बिबिशन कहते हैं। इम्बिबिशन में एक तो होता है वाटर डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना, ये इम्बिबिशन जो होता है वो डायरेक्ट वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये अधेंशन कह सकते हैं ना, मतलब सरफेस के ऊपर आके चिपकना, यहाँ पर वाटर डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं, यहाँ पर चिपकता है, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ इनको ले लिया जाता है,
ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन प्रोसेस होती है, इसे क्या बोलते हैं इम्बिबिशन के नाम से जानते हैं। जैसे इम्बिबिशन हुआ, वाटर अंदर गया, अंदर जाते ही वाटर किसके पास जाएगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जैसे ही एम्ब्रियो की सेल वाटर एब्जॉर्ब करेगी एक्टिवेट होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सभी बढ़ने लगेगी। और यहाँ पर ये क्या करेगा, जो जिब्रेलिक एसिड है ये हार्मोन बनाएगा। कौन बनाएगा जिब्रेलिक एसिड, एम्ब्रियो जो है वो जिब्रेलिक एसिड बनाएगा। जिब्रेलिक एसिड का लेवल बढ़ते ही ये क्या करेगा, किसको संकेत देगा, यहाँ पर जो एलुरेन लेयर है ना, एलुरोन जो लेयर है उनको संकेत देगा और वो क्या बनाएगा, अल्फा एमाइलेज एक एंजाइम बनाता है और वो क्या करता है, इसमें प्रेजेंट पहले से जो फूड स्टोरेज है एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। एंडोस्पर्म का डिग्रेड करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण से एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो कौन से दो हार्मोन है जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे दो ही टर्म आए हैं, एक तो एब्सेसिक एसिड और एक आया है जिब्रेलिक एसिड। ये इसको डोरमेंटी बढ़ाता है जबकि ये डोरमेंसी को तोड़ता है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है, ए एब्सेसिक एसिड एंड जिब्रेलिन, बोथ आर कंट्रोल द सीड डोरमेंसी, इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो इसमें इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी टर्म आता है, एक पॉपुलेशन डाइवर्सिटी आती है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी आता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में जब हैं, जैसे कोई भी अपन ये कहें कि यहाँ पर कोई एक स्पीसीज है और यहाँ पर एक स्पीसीज है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, जैसे ए वन है ए टू है, इसमें अगर आप इसको क्या करोगे, कल्चर करोगे तो लगातार सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। सेल डिवाइड करेगी तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें अधिक विभाजन होने के कारण से जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर रेप्लिकेशन नहीं होगा, इनमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, म्यूटेशन होने के कारण से जेनेटिक मटेरियल में क्या आने लगेगा, वेरिएशन। जेनेटिक मटेरियल में क्या उत्पन्न होते हैं, म्यूटेशन से क्या उत्पन्न होते हैं, वेरिएशन। और जितने ज़्यादा वेरिएशन होगा उसे ही अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। म्यूटेशन से क्या कॉज होता है, वेरिएशन से क्या कॉज होता है, तो अपन कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, इवोल्यूशन या उद्विकास होगा, ठीक है ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी जरूरी है। तो बढ़ती किसके कारण से है, कि जेनेटिक मटेरियल जो है उनमें जितने भी चेंजेस होते हैं, वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, उनके कारण से। यहां पर दिया गया है इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउ एक्सटेंड टाइम इन प्लांट टिश्यू कल्चर। जब भी प्लांट टिश्यू कल्चर में जेनेटिक डाइवर्सिटी का टर्म यदि कहीं भी आ जाए तो आप करते क्या हो, प्लांट के कोई भी एक पार्ट है इसको आपने क्या किया है, कल्चर किया है। इसको कल्चर करोगे तो इससे क्या बनेगा, एक टिश्यू का कल्चर, टिश्यू बनेगा, एक कोशिकाओं का एक समूह बनेगा, अनडिफ्रेंशिएटेड कोशिकाओं का एक समूह बनेगा, जिसे आप क्या कहोगे, कैलस कहते हो। इसे क्या कहेंगे अपन, कैलस। कैलस में लगातार डिवीजन होने के कारण से इनमें धीरे धीरे जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होने लगते हैं और ये जो प्रोसेस है इसे अपन क्या कहते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कि आपने एक टिश्यू लिया है, एक्सप्लांट लिया है, एक्सप्लांट को कल्चर किया है, कल्चर करने से लगातार यदि कल्चर किए जाओगे तो धीरे धीरे उनमें जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं कैलस वाले स्ट्रक्चर में। इससे अब जो भी प्लांट बनाओगे, चाहे आप एम्ब्रियो बनाओ, चाहे प्लांट बनाओ, चाहे सिंथेटिक सीड बनाओ, उनमें वेरिएशन उत्पन्न रहेंगे। और सोमेटिक सेल से अपन ने लिया एक्सप्लांट, कैसा, एक्सप्लांट को क्या बोलते हैं, कोई भी प्लांट का पार्ट जिसे एक्सप्लांट कहते हैं कैसा होता है, सोमेटिक होता है। इसका मतलब सोमेटिक सेल में यदि वेरिएशन उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। और इस सोमा क्लोनल वेरिएशंस बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर अपन देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर को, यहाँ पे शायद ये हुआ नहीं है, यहाँ पे अपन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विविपेरी, ठीक है ना। विविपेरी किसे कहते हैं, कि कोई भी एक प्लांट है यहाँ पे, और ये प्लांट कहाँ पे, खास तौर से दलदल वाले क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की भी कमी होती है। तो कोई भी दलदल वाला क्षेत्र हो वहाँ पर, ये भी कह सकते हैं मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं,
मैंग्रोव प्लांट हो सकते हैं, दलदली क्षेत्र वाले हो सकते हैं, सेलाइन वाले वाटर हो सकते, सेलाइन वाले हो सकते हैं, हेलोफाइट्स हो सकते हैं, हेलो फाइट प्लांट हो सकते हैं जो लवणीय जल के अंदर उगते हैं, वह वाले प्लांट हो सकते हैं। इन प्लांट के अंदर अगर कोई यहाँ पर फ्रूट बनता है, ये फ्रूट बना है, इस फ्रूट में जो सीड है ये क्या है, सीड है, ये सीड है, नीचे क्या है, दलदल वाला क्षेत्र है। तो ये कौन से प्लांट हो गए, मैंग्रोव प्लांट। इसमें क्या होता है, सीड जो होता है उनमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती। क्या होता है, इन सीड में नॉट डोरमेंसी, इनमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती। डोरमेंसी पाई अगर जाए तो भी क्या काम की है, क्योंकि पानी में गिरेगा, पानी में गिरेगा तो फिर भी जर्मिनेट होगा, इसलिए ये क्या करते हैं, डोरमेंसी को अवॉइड करते हैं और ये क्या करते हैं, फ्रूट में रहते हुए सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट, प्लांट के ऊपर ही क्या हो जाएंगे, ये जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, सीड वहीं है, अगर प्लांट के अटैच रहते हुए कोई सीड जर्मिनेट हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, वीवी पेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये पूरे करैक्टर मैंने बता दिए, अब इसमें से देखना है नोट, इनमें से कौन सा करैक्टर ये सही नहीं है वीवी पेरी का, तो आप ऑप्शन में देख लोगे आप, सीड सीड जर्मिनेट विद इन फ्रूट, ये तो ठीक है, वाइल इट इज अटैच्ड स्टिल अटैच्ड टू द मदर प्लांट, जब मदर प्लांट के साथ में ही कोई सीड है वो वहीं जर्मिनेट हो जाता है, ये तो ठीक है डेफिनेशन। इट यूजुअली अकर इन प्लांट ग्रोइंग अंडर सेडो मेराइन कंडीशन, देखो ये बताया मैंने हेलोफाइट्स, मेराइन जो कंडीशन होती है, लवणीय जो होती है, मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं उनमें ऐसा करैक्टर देखने को मिलता है। इट अकर इन मैंग्रोव, ये टर्म भी आ गया यहाँ पे, मैंग्रोव प्लांट भी आ गया। अब अगला टर्म, इट इन्वॉल्व इन डोरमेंसी पीरियड फॉर द सीड, अब इसमें डोरमेंसी होती ही नहीं है, ये बोल रहा डोरमेंसी पीरियड में ऐसा होता है, तो डोरमेंसी पीरियड तो होता ही नहीं है इनमें, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन, इसमें नहीं होता, ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला अगर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 52 पे चलते हैं अपन, देखो 52 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन देखो आप जब एग्जाम में सोल्व करते हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में आप बैठोगे, तो सब कैंडिडेट जो सोल्व करते हैं उनमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर रूप से ध्यान से आपको पढ़नी है। आधे कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप लोग क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर रूप से पकड़ नहीं पाते हो। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सही पकड़ी है, दैट मीन्स आप बिना ऑप्शन देखे उसका राइट आंसर कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी है कि आपका माइंड जो है वो कॉन्सेप्चुअल हो, मतलब आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो कैसा हो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। कन्फ्यूजन वाली चीज़ है तो वो हर क्वेश्चन आपका गलत करवाएगा, इसलिए किसी टॉपिक को पढ़ना है तो आपको उसकी जड़ तक जाना है और आपको एकदम कंसेप्चुअल पढ़ना है कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, साइंटिस्ट कौन है इससे रिलेटेड, तो पूरी चीज़ें आपको वहाँ से पढ़नी है। यहाँ पर अपन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट फिजिकल म्यूटाजन, फिजिकल म्यूटाजन, इनमें से फिजिकल म्यूटाजन कौन सा है, एक बार देख लो आप, देखो यहां पर अपन देखेंगे आपके पास क्या है, डीएनए है, डीएनए में कोई भी फैक्टर जो म्यूटेशन कोज कर सके, चेंज कर सके, अनवांटेड चेंजेस, डीएनए की सीक्वेंस में अनवांटेड चेंजेस जो भी होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अनवांटेड जो भी चेंज होते हैं डीएनए की सीक्वेंस में, कोई भी चेंज हो उसे अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन हो और जो जिस कारण से और जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं म्यूटेशन करने वाले, उसे क्या कहते हैं, म्यूटेंट, अपन म्यूटाजन कह सकते हैं ना, म्यूटाजन। अब म्यूटाजन जो है, म्यूटेशन करने वाले, वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपन देखेंगे, पहला म्यूटाजन कौन सा होता है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं फिजिकल म्यूटाजन। सेकेंड अपन देखेंगे
केमिकल म्यूटाजन, थर्ड आप देखोगे बायोलॉजिकल म्यूटाजन। कितने म्यूटाजन हैं? तीन प्रकार के कारण हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटाजन हो सकता है, केमिकल म्यूटाजन हो सकता है, बायोलॉजिकल म्यूटाजन हो सकता है। फिजिकल के तो नाम से ही है, जितनी भी जो लाइट है, कोई भी टेम्परेचर है, ऐसी कोई फिजिकल कारक हो, वो सभी क्या होते हैं? फिजिकल कारक होते हैं। इनमें से खास तौर से अपन देखते हैं लाइट, एक तो यूवी लाइट और एक रेज अल्फा बीटा और गामा, ये सभी कैसे होते हैं? फिजिकल म्यूटेशन कोज करने वाली लाइट्स होती हैं। केमिकल म्यूटेशन में कोई भी केमिकल हो जो डीएनए की कंपोजिशन में, डीएनए के सीक्वेंस में, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस में किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन करते हो या चेंज करते हो, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? केमिकल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। बायोलॉजिकल मतलब कोई भी ऐसे जीव जो किसी भी डीएनए के सीक्वेंस में चेंज करवा सके, हेर फेर बदल कर सके। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे ट्रांसपोजोन को आप क्या कह सकते हो? जंपिंग जीन कह सकते हो, सेल्फिश डीएनए कह सकते हो, एक वायरस भी क्या करते हैं? डीएनए में म्यूटेशन कोज करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा क्या है आपको, एक तो पूछा है फिजिकल म्यूटाजन, सिर्फ फिजिकल म्यूटाजन पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट, ये दोनों ही कैसे हैं? फिजिकल म्यूटाजन है। अगले क्यों नहीं है? एक्स अल्फा रेज ये तो है, एल्केलाइटिंग एजेंट ये क्या है? केमिकल म्यूटाजन है। तो बेस एनालोगस केमिकल म्यूटाजन है, एक्रीडीन केमिकल है, डाई है, न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजाइलोन, तो ये क्या है? सब केमिकल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है ये फिजिकल है, लेकिन ये केमिकल है। इसमें पूछा क्या है? केवल फिजिकल के म्यूटाजन बताने आपको। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन, एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट जो होते हैं वो इनके लिए विशेष होते हैं। आगे अपन देखेंगे एक्सरेज का भी अपन देखेंगे, तो इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो क्या कोज करती है? थायमिन के डाइमर बना देती है, ठीक है ना, ये कोज करती है, थायमिन के डाइमर बना देती है। और थायमिन के डाइमर बनने के कारण से वहां पर क्या होता है? स्किन कैंसर होता है, ठीक है ना। एक आता है आयनिक और एक आता है नॉन आयनिक। कई बार म्यूटेशन पूछा जाता है कि म्यूटाजन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजन दो प्रकार के होते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक, ठीक है ना। यहां पर आयनिक और नॉन आयनिक म्यूटाजन। आयनिक जो म्यूटाजन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आयनिक जो म्यूटाजन होते हैं वो तो होते हैं अल्फा बीटा और गामा, और ये होते हैं यूवी। नॉन आयनिक जो म्यूटाजन होते हैं वो तो अल्ट्रावायलेट शामिल करते हैं, और जो आयनिक है वो कौन सा होता है? अल्फा बीटा गामा होता है। ये कई बार भी क्वेश्चन आ चुका है, नॉन आयनिक जो म्यूटाजन होता है वो कौन सा होता है? तो अल्ट्रावायलेट आपको याद रखना है। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो शॉर्ट नोट्स में आप लोग लिखते जाओ, ताकि आप लोग कहीं भी क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 49 में दिया हुआ है, सर्केडियन रिदम इन प्लांट वॉज स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। सर्केडियन रिदम फर्स्ट टाइम किसने बताया था? प्लांट्स के अंदर, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। सर्केडियन रिदम होता क्या? पहली बात तो सर्केडियन रिदम का मतलब होता है चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके जो 24 हावर है, 24 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है अपना, साइकिल होती है, इसमें कौन सा इवेंट कब होगा, ये डिसाइड जो करता है उस प्लांट का सिस्टम, जो डिसाइड करता है लाइट कब है, लाइट नहीं है, फ्लावर कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, ये सभी जो लाइफ टाइम के जो इवेंट्स हैं वो इवेंट्स कैसे रेगुलेट होते हैं, उनकी जो इवेंट्स की जो सीरीज है उसे अपन क्या कहते हैं? सर्केडियन रिदम कहते हैं, जो ऑटोमेटिक फिक्स चलते रहते हैं। प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, उनको भी कंट्रोल किया
जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, केवल साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर किसने बताया था, तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के अंदर क्या बताया था, सर्केडियन रिदम के बारे में बताया था 1751 में, 1751 के अंदर कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले बताया था प्लांट्स के अंदर भी सर्केडियन रिदम जैसे स्ट्रक्चर या सिस्टम जो है वो पाया जाता है। अपने अंदर तो है ही है कि अपने को पता रहता है कब सोना है, कब उठना है, कब कौन सा काम करना है, कौन सी हैबिट में अपने को रहना है, क्या करना है, सब चीज़ें अपनी बॉडी फिक्स डिसाइड करती है। जैसे पक्षी कोई भी जाता है वो क्या करता है, सुबह अपनी ब्रीडिंग के लिए, अपनी फूड के लिए वो क्या करता है, ट्रैवल करता है, घूमता है। जैसे जैसे डे ढलेगा वैसे वैसे वो क्या करते हैं, वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, सर्कैडियन रिदम कंट्रोल करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन अपन देखेंगे 53, इसमें देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग जितने भी कंपाउंड आपको दिए हैं कि ये मोलिक्यूल्स दिए हैं, इन सबको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम के अंदर बताना है। सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ऐसे बताना है अपने को, इस क्रम के अंदर बताना, बढ़ते हुए क्रम के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, इधर देख लेते सबसे बड़ा है कौन इनमें से, ATP 3 न्यूक्लियोटाइड का है, AMP 1 न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पे देखेंगे DNA सबसे बड़ा होता है, DNA जो है RNA से बड़ा होता है, इसलिए इसको भी काट सकते हो आप। इधर से देखेंगे तो सीधा ही आपका क्लियर हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। DNA छोटा कौन होता है, RNA छोटा क्या होता है, ATP छोटा क्या होता है, ADP छोटा क्या होता है, AMP। इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो आप ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ये तो सिंपल से कॉन्सेप्ट वाले चीज़ें हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे 57 वाला, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वेराइटी ऑफ यूकैरियोटिक ऑफ इट्स रेगुलेट। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते किसे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग कि आपके पास में कोई एक DNA के सीक्वेंस है, ये DNA के सीक्वेंस है, DNA के सीक्वेंस से क्या बना, mRNA बना। अगर यूकैरियोटिक है तो यहाँ पे तो क्या होगा, 5 प्राइम पे तो एक कैप प्रेजेंट होगी और यहाँ पर 3 प्राइम पे पॉली ए टेल होगी। इसका मतलब पहले जो mRNA बनेगा उसे अपन हेट्रोजीनियस hnRNA बोलते हैं। इसमें दो प्रकार की सीक्वेंस होती है, इस प्रकार से एक्सोन 1 इंट्रॉन, एक्सोन 2 इंट्रॉन, एक्सोन 3 इंट्रॉन। इनमें से कोडिंग जो सीक्वेंस होती है, अब इसे इसमें से केवल एक्सोन एक्सोन जो सीक्वेंस है वो जुड़ती है और इंट्रॉन को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये सीक्वेंस बनेगी एक्सोन 1, एक्सोन 2 और एक्सोन 3। कितनी सीक्वेंस बनी है, 3 बनी है। तो यहां पर ये एक क्या बना है, mRNA बना है, ये एक अलग, अगर ये प्रोटीन बनाई तो ये एक अलग प्रकार की प्रोटीन बनाएगा। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि यहां से इनमें से इनके क्रम जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है ना। इनके क्रम स्प्लाइसिंग के दौरान यदि इनके जो एक्सोन है वो अपनी जगह पोजीशन चेंज कर ले, उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग कहते हैं। यहां पे अगर इसी का दूसरा अपन मेथड करेंगे, ये सिंपल वाला है, यहां पे अपन करेंगे E2 एक्सोन 1 एक्सोन 3। अब ये चेंज हो गए तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन बनेगी इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि एमिनो एसिड की सीक्वेंस वो चेंज होगी। इस प्रकार से एक जीन के द्वारा एक से अधिक प्रोटीन कोड की जा सकती है यदि उसमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि यूकैरियोटिक इट इज ए रेगुलेट, क्या रेगुलेट करती है, जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन डाइवर्सिटी। सीधी सी बात है, प्रोटीन डाइवर्सिटी बढ़ेगी क्यों, इंटरलेटिव स्प्लाइसिंग होगी, तो यदि स्प्लाइसिंग होगी तो एक से अधिक प्रोटीन का निर्माण होगा, तो इससे क्या बनेगा, जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन डाइवर्सिटी।
टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू, ये भी कोई है। अटैचमेंट ऑफ पॉली ए टेल, ये भी कोई मतलब, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए अल्टरनेट स्प्लाइसिंग जो होती है वो पाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 58 में, द वर्नेलाइजेशन ट्रीटमेंट इज प्रोसीड। वर्नेलाइजेशन ट्रीटमेंट कहते किसे हैं? कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाना किसके लिए? ताकि इनकी जो फ्लोरिंग टाइम है वो कम हो जाए, फ्लोरिंग को इंड्यूस करने के लिए लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया जाना। फ्लोरिंग कहाँ पे होती है? स्टेम पे होती है। स्टेम पे जो अब नई जो ब्रांच बनी है उन पे क्या होगा? फ्लोरिंग होगी। तो ट्रीटमेंट भी किसको देना पड़ेगा अपने को? सूट एपेक्स को देना पड़ेगा। नया जो सूट एपेक्स है, सबसे ऊपर का जो प्लांट का पार्ट है, उसे क्या कहते हैं? सूट एपेक्स कहते हैं। अगर उसको आप कोल्ड ट्रीटमेंट दोगे तो वहाँ पर क्या होगा? फ्लोरिंग होगी। उसे अपन क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन देखेंगे, ये देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 54 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल। ये तो पेटेंटेबल का, पेटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ की जो आप डिस्कवरी करते हो, कोई भी मेथड आप जनरेट करते हो, कोई प्रोसेस आप जनरेट करते हो, कोई भी चीज़ का केमिकल फॉर्मूला बनाते हो, वो आप पेटेंट आपके नाम से करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई भी नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ें आपने जो प्रकृति में खोजा है, जैसे मान लो मुझे एक बैक्टीरिया मिला, तो वो मेरे नाम से पेटेंट नहीं करवा सकता, ठीक है? वो तो क्या नेचर की चीज़ है, उसके ऊपर सब काम करेंगे, उसके प्रोडक्ट है वो सबको बेनिफिट होंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला, मुझे कोई नया प्लांट मिला, उसके अंदर कोई विशेष मेडिसिन पाई जाती है, वो मेडिसिन सिर्फ मैं ही यूज़ में लूँगा, ऐसा पेटेंट कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, यदि आपने कोई एक फॉर्मूला क्रिएट किया है तो वो फॉर्मूला आपके नाम से पेटेंट हो सकता है, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट में, नेचुरल चीज़ में, नेचुरल ऑर्गेनिज्म यदि आपको मिला है तो उसके बेनिफिट सबको मिलेंगे, आपके नाम से ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको मिले, तो वो पेटेंट नहीं हो सकता। नेचुरल आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी पेटेंट नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इम्प्लॉयड एज स्टरलाइजेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर स्टरलाइजर के रूप में या स्टरलाइजेशन के रूप में यूज में नहीं आता है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता क्या है? किसी भी सरफेस के ऊपर, जैसे आपका ये कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो सकता है प्लांट का पार्ट हो, यहाँ पे जैसे आपने एक प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया है और आप इसको क्या करना चाहते हो? कल्चर करना चाहते हो। अब आप इसको क्या करना चाहोगे? स्टरलाइज करना चाहोगे। स्टरलाइज का मतलब होता है किसी भी सरफेस के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, स्पोर हो सकते हैं, उन सबको क्या करना है? कंप्लीटली रूप से किल करना। किल करना अगर है तो उसे क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप इसको स्टरलाइजेशन नहीं करोगे किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने से पहले, तो वहाँ पर क्या होगा? इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। तो कौन से मेथड इनमें से नहीं है? देखो, इथेनॉल से किया जाता है सरफेस। अगर आपको किसी को धोनी है, एक्सप्लांट धोना है, तो आपको इथेनॉल से धोना पड़ेगा। ऑटोक्लेव है, हाई टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 15 PSI के ऊपर 15 मिनट के लिए आपको क्या किया जाता है? ऑटोक्लेव किया जाता है, तब कंप्लीट रूप से किसी भी सरफेस पे आप स्टरलाइज कर सकते हो, ठीक है ना? आगे है थर्मोमीटर, टेम्परेचर मापने के लिए काम आता है। हॉट एयर ओवन, ये भी यूज में आता है, ये यूज में नहीं आता है ना, ये तो थर्मोमीटर है, टेम्परेचर मापने का एक उपकरण है, सीधा सा है, तो ये कहीं भी यूज में नहीं आता है। आगे अपन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए रिपेयर मेथड, ठीक है, कोई भी एक डीएनए रिपेयर मेथड है, देयर इज सिंपल डायरेक्ट रिवर्सल डैमेज, कि ऐसा कोई म्यूटेशन हुआ है जिसको वापस आप क्या कर सकते हो? जो जैसा वो था वैसा का वैसा कन्वर्ट कर सको, उसे अपन क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिवर्सल डैमेज मेथड कह सकते हैं। जैसे मानो अभी मैंने एक अल्ट्रा वॉयलेट का एग्जाम्पल दिया था जिससे क्या बनता है, इस प्रकार से डीएनए का एक थायमिन जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? डाइमर बना लेते हैं। जैसे ये कोई डीएनए के सीक्वेंस है, यहाँ पे क्या है? थायमिन है, तो दोनों क्या बना लेंगे? डाइमर बना लेंगे इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। लेकिन अगर बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है
फोटोलाइएज, अगर ये ब्लू लाइट की उपस्थिति में, कौन से, यदि ब्लू लाइट की उपस्थिति में ये एंजाइम वर्क करे तो इनको क्या कर सकता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है ये साइक्लोब्यूटेन, इस बॉन्ड को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, तो वापस से क्या बन जाएंगे, नॉर्मल थायमिन बन सकता है। तो इसमें से देखो, बेस एक्सेशन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, फोटो रीएक्टिवेशन, ये इसका राइट आंसर आएगा। फोटो रीएक्टिवेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में, ब्लू लाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइएज एक एंजाइम वर्क करता है जो थायमिन डाइमर को वापस नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया में पाया जाता है फोटो रीएक्टिवेशन, ये इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे दिया है वबल हाइपोथेसिस इज रिलेटेड, वबल हाइपोथेसिस कहते किसे, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, वबल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, तो यहां पर वबल हाइपोथेसिस का मतलब होता है ट्रांसलेशन, किससे रिलेटेड लिया गया, ट्रांसलेशन कि कोई भी एक एमआरएनए है, यहां पे ये 5' इसका और ये इसका 3' है, एमआरएनए है तो 5' to 3', इसके ऊपर जो कोड होते हैं, ये तो होते हैं कोड, क्या होते हैं, ये कोड होते हैं, इसकी काउंटिंग करेंगे इधर से 1, 2 और 3, ठीक है। इसके जस्ट ऑपोजिट यदि कोई एमआरएनए आता है इस प्रकार से, तो यहां पे अपन करेंगे 5' to 3'। अब इसके यहां पे क्या है, एंटीकोडोन है, यहां पे एंटीकोडोन है, इनकी नंबरिंग होगी यहां से 1, 2, 3, ठीक है। इनके बीच में परफेक्ट न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, अगर यहाँ C है तो यहाँ पे G होना चाहिए, यहाँ पे भी परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे C है तो यहाँ पे G होना चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट बेस पेयरिंग होनी चाहिए, किस पे, इन दो पे। लेकिन ये जो एक कंडीशन है एंटीकोडोन, एंटीकोडोन कौन सा है, एंटीकोडोन तो है 1, एंटीकोडोन क्या है 1। ये क्वेश्चन भाई मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटी कोडोन 1, एंटीकोडोन पे तो 1 नाइट्रोजन जो बेस पेयर है वो वाला, और कोडोन, कोडोन का है 3, कोडोन का 3 एंटीकोडोन का 1 के बीच में यदि कोई मिस पेयर पाया जाता है, मतलब मिस पेयर का मतलब है यहां पर अगर जी है, सपोज यहां पे जी आ गया तो होना क्या चाहिए, इसके सामने सी होना चाहिए तभी बेस पेयरिंग होगी, लेकिन अगर इसके साथ यू आ जाता है, जी के सामने यू आ जाता है इस बेस पेयर में, तो भी ये क्या करता है, जी यू के साथ में पेयरिंग अलाउ करता है, ठीक है। यहां पे अगर अपन देखेंगे यू है और यहां पे यू के साथ में क्या आएगा, अगर यू के साथ में ए आना चाहिए, लेकिन अगर यू के साथ में यहां पर ए की जगह पे क्या आ गया, जी आ गया, तो भी क्या करेगा, ये अलाउ करेगा यू के साथ, समझ गए आप। अगर यहां पे इसकी जगह पर अगर आई आ गया, इनोसिटोल आ गया, तो आई के सामने नीचे वाले में कोई भी हो, चाहे चाहे सी आए, चाहे जी आए, चाहे ए आए, चाहे यू आए, सबको क्या करेगा, वो अलाउ करेगा। तो ये जो मिसमैच है, मिसमैच जो है यहां पे बेस पेयरिंग में एंटीकोडोन 1 और कोडोन 3, इस तीन जो कोडोन होते हैं, तीन जो होते हैं उनमें क्या होता है, कोडोन किसे बोलते हैं अपन, कोडोन, कोडोन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, उसे अपन क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। तो एमआरएनए पे जो होते हैं उनको तो कोडोन, और टीआरएनए के ऊपर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन। ये क्या है, टीआरएनए, टीआरएनए का तो कौन सा कोडोन है, एंटीकोडोन का 1 न्यूक्लियोटाइड, और कोडोन का कौन सा है, 3 न्यूक्लियोटाइड, के बीच में वबल हाइपोथेसिस बनती है, इनमें मिसमैच होता है तो भी अलाउ ये करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस को ये अलाउ करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वबल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो किससे रिलेटेड है ये, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे क्या दिया, प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मतलब है क्या ये, किससे रिलेटेड है ये, तो जेनेटिक कोड है दोनों, ये भी जेनेटिक कोड है, ये भी कोड, तो यहाँ पे क्या कहेंगे अपन,
जेनेटिक कोड से रिलेटेड है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आता प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्ट जेनेटिक कोड ही दे दिया तो इसका राइट आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर अपन देखते हैं, हु गिव आइडिया डेवलपिंग द आर्टिफिशियल सीड ऑफ फर्स्ट टाइम जो आर्टिफिशियल सीड है उसका आइडिया किसने दिया था, तो मुरासिस ने दिया था, टी मुरासिस। कई बार क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल जो सीड होता है उसके ऊपर जो आवरण होता है, जेल लाइक जो कोट होता है, जैसे ये एम्ब्रियो है और इसके ऊपर चारों तरफ आपने क्या बनाया, सीड का एक जेल बनाया है, ये जेल जो है वो किसका बना होता है, कई बार पूछा जाता है, तो कैल्शियम एल्जिनेट किसका बना होता है, भैया कैल्शियम एल्जिनेट का बना होता है, ठीक है ना। और केमिकल कौन सा यूज में आता है, अगर ये पूछा जाए केमिकल कौन सा यूज में आता है, तो यहां पर सोडियम एल्जिनेट कौन सा यूज में आता है, सोडियम एल्जिनेट यूज में आता है। लास्ट जो जेल बनता है सिंथेटिक सीड के चारों तरफ का, वो किसका होता है, कैल्शियम एल्जिनेट का होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन तो हर बार रिपीट होता है भाई, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम बैठ जाना हर एग्जाम में मिल जाएगा, किसका आवरण किसका बना होता है, कैल्शियम एल्जिनेट का बना होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ये भी दे सकता है वो सोडियम एल्जिनेट, लेकिन अगर ये मिले तो यही करना पहले अपने को, ठीक है ना। ये मेथड मैं कभी बता दूंगा आपको वैसे तो, और इसका डिस्कवरी जो है या इस मेथड को डेवलप किसने किया था, तो टी मुरासिस ने सबसे पहले 1977 के अंदर इस मेथड को दिया था। तो ये आज का सेशन था जिसमें अपन ने क्वेश्चन सोल्व की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ में, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग वीडियो के ऊपर रेस्पॉन्स देकर जाएंगे, अपने जो फ्रेंड्स हैं वहाँ उस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के ऊपर जुड़े रहिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है, थैंक यू फ्रेंड्स।